मंडी के पटेल मैदान में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की रैली को लेकर मंडी छावनी में तब्दील हो गई है। एसपी मंडी अशोक कुमार ने बताया कि रैली के मद्देनजर मंडी शहर में जगह जगह पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी दी। देखिए, जो रैली में अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और हमने ये प्लान किया है कि जो वेन्यू है, जो पटेल ग्राउंड है, उसमें रैली में आने वालों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए हमने ट्रैफिक के इंतजाम किए हैं। जो लोग जोगिंदर नगर की तरफ से आएंगे उनको विक्टोरिया ब्रिज के पास उनकी बस जो बसें आने वाली हैं बड़े व्हीकल, उनको रोक दिया जाएगा और विक्टोरिया ब्रिज से पटेल ग्राउंड तक उन सारे लोगों को पैदल आना पड़ेगा। इसी तरह जो लोग कुल्लू की तरफ से आ रहे हैं उन्हें भ्यूली ब्रिज के पास रोक दिया जाएगा और भ्यूली ब्रिज से वेन्यू तक उनको पैदल जाना पड़ेगा। जो लोग सुंदरनगर की तरफ से आएंगे उनको पुल घाट के पास रोक दिया जाएगा और उन लोगों को वहाँ से पैदल वेन्यू तक आना पड़ेगा। इसी तरह जो लोग रिवालसा की तरफ से आ रहे हैं उनको दोन के पास रोक दिया जाएगा और वहाँ से उनको पैदल आना पड़ेगा। मेरी सभी रैली में आने वाले लोगों से अनुरोध है कि रैली में एडवांस आएँ ताकि ट्रैफिक व्यवस्था पूर्णतः बनी रहे और जाते वक्त भी हमने यही इंतजाम किया है कि वेन्यू से इन इन जगह तक लोग पैदल ही जाएंगे और वहाँ उनकी बसें खड़ी रहेंगी या जो दो व्हीकल हैं वो खड़े रहेंगे और वहीं से वो पैदल चलते हुए वापस अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे। सुरक्षा किस तरह इंतजाम किए गए सर और कितने जवान तैनात किए गए? देखिए, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं जिसमें जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं और सराय होटल्स और इनको भी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए भी काफ़ी जवान हैं और जो रैली है उसके जो वेन्यू है उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में जवान लगाए गए हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर स्पॉटर वॉचर लगाए गए हैं। कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम अपने स्नाइपर्स भी लगा रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रहे।